हमीर उत्सव का आयोजन उपमंडल स्तर पर होना चाहिए ताकि इस आयोजन का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल सके। हिमाचल सरकार राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस को हर साल किसी एक जिले में आयोजित कर हर जिले को इसके आयोजन का लाभ देती है ताकि लोग प्रदेश के विकास और संस्कृति के रूबरू हो सके। यह बात लोक संस्कृति भाषण एवं कला से जुड़े वरिष्ठ कलाकार संजय शर्मा ने हमीरपुर में जारी बयान में कही। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार को एक सुझाव के तौर पर विशेष आग्रह है ताकि जिले के हर कोने में बसे लोगों को इसका लाभ मिल सके। उनका कहना है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन दिन में होना चाहिए ताकि बुजुर्ग महिलाएं और बच्चों की समूची भागीदारी हो सके। इससे आसपास के क्षेत्र में आए लोग शाम को अपने घर लौट सकते हैं। उनका कहना है कि भोरंज, बड़सड़, टौणी देवी, नादौन, जाहू, रंगस आदि में हर हाल कोई स्थान चिन्हित कर प्रशासन इसका आयोजन सुविधा अनुसार करे। संजय शर्मा ने कहा कि तो होता क्या है कि कंट्रीब्यूशन तो पूरे जिला के लोगों का होता है, चाहे फंडिंग को लेके हो, चाहे वो किसी और तरह का सहयोग हो। लेकिन जब आप पर्टिकुलर एक सिटी में इसको कर देते हैं तो होता क्या है कि जो लोग शहर के निवासी हैं या पर्टिकुलर कौम में हैं वही लोग इसका एंजॉय करते हैं और दूर से वही लोग आते हैं जो रात को आ सकते हों, जैसे युवा लोग होते हैं। लेकिन जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, संस्कृति से जुड़े लोग हैं, वो इतने दूर हमीरपुर नहीं आ सकते। इसलिए हमारा प्रशासन से आग्रह है, सुझाव है कि इस कार्यक्रम को, जैसे बड़े फंक्शन मैंने पहले भी कहा कि हिमाचल दिवस है, उसको हम हर जिले में मनाते हैं ताकि एक सूत्रता से एक भाव हम में पैदा हो जाए, प्रेम का भाव पूरे। तो ऐसे ही फंक्शन जो है हमीर उत्सव वो सब डिवीजन पे होना चाहिए और सरकार को और प्रशासन को इस ओर तवज्जो देनी चाहिए। मेरा विनम्र एक सुझाव है, एक कलाकार में होने के नाते, एक साहित्यकार होने के नाते और एक कला के क्षेत्र से जुड़े होने के नाते मैं इतना कहूँगा। अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो पूछिए। हमीरपुर से आपका फैसला संवाददाता रविंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट।